अरे चल जल्दी, कितना टाइम लगाता है लड़का, कभी टाइम से नहीं पहुंचता किसी जगह। टाइम से सिर्फ वही पहुंचते हैं जो पूरे दिन फ्री होते हैं। चलो अब आज तो मूली के पराठों में मजा आ गया। हेलो, हाँ जल्दी बोलो। अरे कैमरे में बैठा हूँ। अरे कैमरे की नज़र में मूर्ख नारी। कुछ नहीं, तुम काम बोलो जल्दी। एसिडिटी तुम्हें अजवाइन ले लो। नहीं है, चलो मैं अजवाइन लेता आऊँगा। अरे हाँ अच्छे वाली। अरे अजवाइन ले आऊँगा ना, आइए बैठिए। ठीक है ठीक है। क्या पीछे पुलिस तरह क्यों हंस रहे हो? आज तो क्या आज तो घर पे कौन क्या घर पे? अरे सी ब्रांड के ले जाओगे? बीबी को एसिडिटी बनी है, घर पे अजवाइन ले जानी है। अजवाइन देखो इसको खुराफती दिमाग। भाई सब करता क्या पूरा दिन ही घर पर? सर कुछ नहीं करता पूरा दिन। पूरा दिन पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इनमें लगा रहता है। और आजकल तो पता नहीं शेयर चैट पर लगा रहता है पूरा दिन, पता नहीं किसका वेट करता है। हार्मोन्स भड़क रहे हैं इसके। मतलब भोरे ने ढूंढ रहा है चाचा ये आपके लिए। और व्हाट्सएप भी चलाता होगा फिर तो? बस भगवान की दुआ से व्हाट्सएप नहीं चलाता ये, नहीं चलाता। इस ठरके को नंबर ही कौन देता होगा? साले तेरी ही बेटी का नंबर लूंगा अब देख। सर मैंने जैसे आप पर छोड़ रखा है, मारो पीटो फेल करो कुछ भी करो, बस अपनी तरह सक्सेसफुल बना दो। आपका सक्सेसफुल होता है वो? हाँ हाँ वही वही वही। अरे सक्सेसफुल बनने के लिए पढ़ाई में लगना होना चाहिए। भाई सब अपने टाइम में मोमबत्ती जला जला के पढ़े हम। पढ़ने का इतने शौक था तो दिन में पढ़ लेते। इसीलिए इसीलिए लड़का मुझे हरामी लगता है। बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता कहाँ बोलना क्या बोलना है। कोई नहीं सर, सीख जाएगा, कभी कभी हो जाता है ये सब, कभी कभी का माना। पर लड़का इतना नालायक है ना, क्लास में नॉर्मली सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसी चीज़ का नाम बताओ जिसे मिलने पर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए, मतलब करियर बन जाए। तो वही क्वेश्चन आपके लाडले से पूछा गया। तब क्या हुआ, क्या कहा फिर इसने? क्या कहा इसने, पूछो क्या नहीं कहा। इसने बोला सेक्स और फोन। बाप की तो आज तक लाइफ सेट नहीं हुई, और तुझ जैसा? क्या पापा आप भी कुछ भी? और सर आप थोड़े चुका इंसान है यार। पापा मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैंने सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया था सैक्सोफोन। और सर आप एब्सेंट था उसी क्लास में, कौन चिल्ला चिल्ला के वो लगाना गा रहा था और कौन नाच रहा था? भाई सब जब भी मैं इनके क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाता हूँ ना, मैं बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए चलता हूँ और ये पीछे से क्या है ये? अरे रेस्पेक्ट होती है क्या है? अच्छा भाई सब ये बताइए, आपका लड़का कुत्तों के साथ में रहता है क्या? जी क्या हुआ आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कल क्लास में किसी ने गैस रिलीज कर दी होगी, गैस छोड़ दी होगी, नॉर्मली सब छोड़ देते हैं, तो स्मेल थोड़ी दूर तक फैल गई होगी। तो आपका लड़का न्यूज़ रिपोर्टर की तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है आधा पादा हंसने पादा, आधा पादा हंसने पादा। क्या ये? अरे मेरे न्यूज़ रिपोर्टर, इसने पादा तो पाद दिया, चाहे वो आधा पादे पूरा पादे तुझे इससे क्या? जिसने पादा तो पाद दिया क्यों शोर करता है? समझाओ भाई साहब इसको। सर उसी ने गैस रिलीज करी थी। अब बात आती है भाई साहब, जो इसने हर्ष का नाम लिया वो सही था, यानी कि इसकी स्मेलिंग पावर अच्छी है कुत्तों की तरह। सर पूरी क्लास में वही मूली के पराठे लाया था और स्मेल मूली के पराठों की थी, तो मैंने सोचा उसी ने। भाई साहब एक तो ये और इसके वो दोस्त,
असेंबली कभी अटेंड नहीं करते, वो क्लास में रहकर सबका लंच खत्म कर देते हैं। अगर आप इनसे पूछो ना कि आज कौन क्या लाया था, तो ये आराम से बता। हम जिनके लिए बर्बाद के थे क्या? चाहे करें ना याद जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। हाय दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो यार, कमेंट करके जरूर बताओ और लाइक जरूर करना। पसंद आई हो तो लाइक करना, और नहीं आई तो भी चलेगा, लाइक कर देना बस। और अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो कब दबाओगे यार, दबा दो, कुछ नहीं जा रहा, दबा दो।